बड़ा पाव में कैलोरीज नहीं होता सर। अरे वड़ा पाव लेके जीरो कैलोरी। अरे अभिषेक को बुलाओ लेके आए। तो कैसे हैं आप लोग? ये देख रहे हो ये क्या है? ये वड़ा पाव नहीं बकचोदी का यंत्र है, कलेश की किलकारी है, बिग बॉस में जाने की चाबी है ये। आजकल बाथरूम में फोटो लगी रहती है इसकी, देख के हिलाते हैं फूड ब्लॉगर। और इस महाशक्ति को सिर्फ एक महिला कंट्रोल करती है, वड़ा पाव गर्ल। कभी इनके बच्चे ऐसे करते कभी नहीं पल। पहला ठेला देख रहा हूँ जहाँ वड़ा पाव के साथ रंडी रोना कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। दो दिन से डिप्रेशन में हूँ, नींद की गोलियां खाई थी, काम नहीं करी, गैस और बन गई, ले चूते तेरे चार वड़ा पाव। अरे बच्चा भूखा मार दिया, लेकिन दीदी के माइक लग रहे हैं, कैमरा लग रहे हैं, फुटेज देना ज्यादा जरूरी है। मतलब क्या गजब दुनिया यार। पाव बने ना बने, बड़ा तले ना तले, चटनी लगे ना लगे, बिना लौड़ा लसन के बड़ा पाव नहीं बनता। वाओ यार, सड़क पे इल्लीगली ठेला लगा के शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। नहीं भाई, चार पैक कैसे करूं भाई, मैं हाथ में दे रही हूं, ठेली दे रही हूं, ये लो। ये गेंद मरवा लो। ये पहले ठेले वाली है जिसके कस्टमर पैसों के साथ दिलासा भी देते हैं। मत रो दीदी, कुछ नहीं है, मेहनत से कमा रहे हैं, अब चलो रुको। और कस्टमर्स को बदले में क्या मिलता है? ले लोड़ू पैक कर ले। एक काम कर, वड़ा पाव भी हमें बना लेते, तो सड़क पे बैठ जा। माँ जुदाई टाइपराइटर की नौकरी, मैं भी ठेला खोलूंगा। ये देख लो बिग बॉस सड़क छाप एडिशन, क्योंकि इतने कलेश के बीच में भी माइक नहीं उतर रहा है। और ये छाती कौन पीट रहा है? अरे औरतों के कलेश से दूर रहो भैया, दूर रहो। ये जब आटा गूंथती होगी पाउडर बन जाता होगा। अब एक नॉर्मल वड़ा पाव 10 से 20 रुपए का आता है, लेकिन दीदी 50 रुपए का बेचती है। क्यों? टाके लगे हुए मुंह में, खड़ी हो। ए, क्या है? टाके मुंह में लग रहे हैं, तकलीफ खड़े होने में हो रही है। चूचा चूचा, सारी सिंपैथी चूचा। कस्टमर की प्लेट में गाढ़ी चटनी होती है, रो रो के पतली हो जाती है, और फिर एकदम से हिट होता है। भैंचोद, मैं तो वड़ा पाव खाने आया था। तभी तो वड़ा पाव के 50 रुपए है, लेकिन दीदी का मानना है 50 रुपए में क्या मैं करोड़पति बन जाऊंगी दिल्ली की? कोई ओवर प्राइस चीज बेच के अमीर थोड़ी हो सकता है। ना 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 ना, ना। दीदी तो गरीब है, गरीबों में गरीब है, महागरीब। अगर यकीन नहीं होता तो बेचारी की हालत देख लो। दीदी की गरीब गाड़ी, दीदी का गरीब आईफोन, दीदी के गरीब कपड़े और पर्स, और ये सारी गरीब चीजें वड़ा पाव बेच के थोड़ी ली है। वो तो बस एक फैमिली बिजनेस है चूतिया काटने का। तू एक बात बताओ, आप लोग मेरी वीडियो बना के जाते हो, इनको व्यूज मिलते हैं, इनको यूट्यूब पैसा देता है, मेरा क्या फायदा? हरकतें चाहे ठेले वाली हो, एटीट्यूड 5 स्टार के शेफ वाला होना चाहिए। लेकिन सही बात है यार, क्या फायदा? अरे क्या बात है सेलिब्रिटी, कस्टमर के साथ फोटो खिंचवा रही है, कस्टमर के कुत्ते के साथ फोटो खिंचवा रही है, लेकिन मेरे क्या फायदा, मेरे क्या फायदा? अरे वड़ा पाव की रोनाल्डो, और क्या चाहिए? यूट्यूब चैनल तेरे नाम कर दे, हजारों भूखे कस्टमर आ जाए, सबसे ज्यादा भूखी तो यही बैठी है। इस रोड पे ना कुत्ता नहीं भौंकता था, आगे जाके एक मर्डर। अरे 2 मिनट चुप रहेगी तो वड़ा पाव ज्यादा बिक जाएंगे। इतना बतियाती है, इसका पति भी परेशान हो रखा है। आज मेरी वजह से इतने लोग हैं, सुबह से भीड़ लगी हुई है, 2 वड़ा पाव नहीं बेचे। कसम बेरोजगार मर्दों की, पैसा ना कमा रही होती तलाक दे देता। अब आजकल जो भी इन्फ्लुएंसर बनता है कंटेंट डाले ना डाले ये जरूर बताता है कि मैंने स्ट्रगल कितना किया है। तू थेली बेचती थी, बारिश होती थी, रोटी के लिए लंगरों में लगते हुए देखा खुद को। ओए बस पगली, रुलाएगी क्या? इतना तो मैं बॉबी की एनिमल देख के नहीं रोया। अब एक बार ये देख लो, 2 साल पहले भी मेरी बहुत अच्छी रेकॉर्ड जॉब थी, आज भी अच्छा थी, आज भी रही, मैंने कभी वर्ड यूज ही नहीं करा। दीदी की पीआर टीम दीदी के हॉर्मोन्स है, जैसा मूड वैसी कहानी। तो कुल मिला के दीदी से ज्यादा स्ट्रगल टाइगर श्रॉफ की दाढ़ी ने किया, दीदी से ज्यादा स्ट्रगल वो पुणे के बिल्डर के बच्चे ने किया था ऐसे लिखने में, और दीदी से ज्यादा स्ट्रगल दीदी के कस्टमर की गांड करती है जब सुबह सुबह वो 50 रुपए का वड़ा पाव निकालना होता है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए खड़ी हुई, वरना कॉल करके बोलती मैं नहीं आ रही, बात खत्म हो जाती। 3 हाथ पैसे लेके खड़े, उन्हें सीन पे छोड़ रखा है, क्योंकि कस्टमर तो झटके बालों की तरह है, एक निकलता है 2 और आ जाते हैं। और अगर तुम्हें एटीट्यूड नहीं पसंद तो दीदी के ठेले पे लिखा हुआ है माय लाइफ माय वड़ा पाव, खाना तो खा वरना मां चुदाऊं। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही। अरे ठेले वालों की माधुरी दीक्षित, बोलना बंद करेगी तभी तो सांस आएगी। कसम से मैं इसके ऊपर एक किताब लिख सकता हूँ, और पहले पेज पे ये लाइनें लिखी होंगी, दीदी को अपना पति तभी हॉट लगता है जब वो ठेला खींच रहा हो। दीदी के कस्टमर हस्त मैथुन की जगह दस्त मैथुन करते। दीदी की ईमेल आईडी है nahidungi.laudapao@bakchodi.com। अब तुमने कभी किसी भैंसे और ऊंट के बछड़े को लड़ते हुए देखा है? दिल्ली का सबसे टॉप मनोरंजन, औरतों का कलेश। अच्छा, अब लड़ रहे हो, नाच रहे हो? ये किसका हाथ है जो इतना परफेक्टली सेंसर मार रहा है? एक ऐसा हाथ तो मुझे भी चाहिए। अब गुदाई के बाद पुलिस आ गई, पुलिस ने दीदी को गाड़ी में भर लिया। अरे वड़ा पाव गर्ल, पाव भर तो इज्जत रख ले, पुलिस की गाड़ी में लाइव कौन जाता है? गांड मरा गिरफ्तारी, फॉलोअर्स की रफ्तार नहीं रुकनी चाहिए। अब दीदी को समझ आ गया ठेला आ चुका है खतरे में, अब निकाल लो अपने पत्ते। सबसे पहला है
वुमन कार्ड। लड़कियां अगर कार्ड लगा के खड़ी है ना, तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। चाहे ठेला लीगल हो या इलीगल, सपोर्ट करो यार, क्योंकि वो एक नारी है, बढ़ते भारत की किलकारी है, और तुम एक चूतिए लड़के हो, दो कौड़ी के टट्टे हो। दीदी का दूसरा पत्ता है फैमिली कार्ड। मैं कर सकती हूँ, मैं धूप में खड़ी हो सकती हूँ, पर मेरी माँ को आराम देना चाहती हूँ। रुला दिया यार माँ। अच्छा ये जो पाव, ये जो बड़ा फ्राई कर रहे हैं, ये आपके मदर इन लॉ हैं? ये मेरी माता है। कितना आराम कर रही है माँ, सड़क पे चूल्हा लगा के सामने बिठा रखा माँ को, क्या लग्जरी है। और दीदी सामने खड़े होकर सेल्फियां खिंचवा रही हैं, क्या मजदूरी है। अब दीदी का तीसरा पत्ता, ये तो सबसे कॉमन है, विक्टिम कार्ड। ये मेरा उंगलियों के निशान मरने में कहाँ है, ये देखो गठानी बन रही है। कहाँ है ये देखो गाइस, मेरे नक्कल पे चुदानी बनी हुई है। हार्ट पेशेंट, हार्ट पेशेंट तो इसके कस्टमर है जो इतना कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं। अब हर इन्फ्लुएंसर की तरह दीदी का भी कहना है, मुझे पैसों से नहीं मतलब, बस मुझे वही सपोर्ट चाहिए। अच्छा ये फोन देख रहे हो, ये इन्फिनिक्स का GT20 प्रो गेमिंग फोन है। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 अल्टीमेट प्रोसेसर है, जिससे तुम कोई भी गेम, पबजी हो या COD, कोई भी गेम हाई सेटिंग पे चला सकते हो। इसका डिजाइन भी बढ़िया है, लगता भी गेमिंग फोन ही है, और 90 FPS में गेमिंग कर सकते हो, 144Hz रिफ्रेश रेट है, डेडिकेटेड गेमिंग डिस्प्ले चिप है। तो अगर तुम्हें भी एक बैडस गेमर बनना है, तो फटाफट फ्लिपकार्ट पे जाओ और इसे ले लो। अब ये फोन मैं क्यों इंटीग्रेट कर रहा हूँ, पैसों के लिए थोड़ी यार, मुझे बस मालिक का चूपा मारना है। अब जहाँ पर खाना है वहाँ पर कीड़े तो आते ही हैं, मतलब फूड ब्लॉगर ठेले पे पहुँच जाते, कहने को कुछ होता नहीं है। चटनी एक नंबर, चुतियापा भी एक नंबर एक नंबर, फिर व्यूज भी एक नंबर एक नंबर, एग्जाम में मार्क्स भी एक नंबर एक नंबर, और जब इन्हें कुछ अलग करने को बोलो, बाबा रशियन मंगवा दिया तुम्हारे लिए। फाइन क्या फाइन, इस उम्र में पलंग से पहले तू टूट जाएगा। फिर मैं सुनने में आया कि बिग बॉस में भी एंट्री होने वाली है आपकी। बिग बॉस OTT3 में मैं अपने आप को विनर तक, लास्ट तक देखना चाहती हूँ। पहुंच गए हेडक्वार्टर्स, बिग बॉस इनका T20 वर्ल्ड कप है, सालों बकचोदी करनी पड़ती है तब आता बुलावा। मुझे बस बहुत ठेले टपरी देख लिया, अब 10 दिन तक तो सड़क पे नहीं निकलूंगा मैं। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, एम करते हैं 3 मिलियन लाइक्स के लिए। और अगर तुम लोग नए हो तो क्या कर रहे हो यार, वो जो सफेद वाला बटन है उस पे चाय फेंक के मारो या फिर बड़ा पाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और अगर तुम्हें भी एक बैडेस गेमर बनना है तो फटाफट इन्फिनिक्स GT20 प्रो जाके ले लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब चलो मैं भी जा रहा हूँ, मुझे अरे बिग बॉस देखना पड़ेगा यार, बाय मोहित।